सबसे पहले इस जगह पर आप व्यू को देखिए, जो हमारे पीछे दिख रहा है वो है ग्रेट हिमालय, और उसके जैसे ही आप पीछे की ओर चलेंगे आपको चाइना लग जाएगा। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ से आपको स्पष्ट ये रोड दिख रही होगी, गली दिख रही होगी, जो कि पर्यटकों के लिए बनाई गई है। यहाँ से अगर आप सीधे नीचे चले जाएं तो आगे आपको एक सेब का बागान मिलेगा। आप कभी यहाँ आना चाहें तो यहाँ पे सेब का बागान भी देख सकते हैं। और ये जो जगह है ये बुरांसखंडा कहलाती है, और ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये घनी जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, घने पेड़ दिख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे अगर आप चलें तो आप धनोल्टी में पहुंच जाएंगे, और धनोल्टी जो है वो अपने इको पार्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दो इको पार्क हैं, आप उसमें आकर के भी यहाँ की जो स्थानीय वनस्पति है उसके बारे में जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं उसके बारे में। जो वनस्पति शास्त्री हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे, बायोलॉजी से संबंधित लोग, और वो यहाँ आकर के इस चीज़ की स्टडी करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो सिद्धांत है ये पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था 1992 में, उस निकल करके आया था, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में उससे निकल करके आया था, और उसमें एक चीज़ ये बोली गई थी कि हमें अपनी स्थानीय जो वनस्पति है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो वनस्पति जो है वो पर्यटन के लिए बहुत ही वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका लोपन हो जाता है तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है, तो उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर स्थानीय जो वनस्पति है उसको रोपा गया, लगाया गया है। तो आप लोग कभी भी धनोल्टी आएँ तो उस जगह को भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। हालांकि इस जगह पर पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्षेत्र अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो कई मामलों में अभी पर्यटन से अछूता है। यहाँ पर केवल जो देहरादून हो गया, हमारा जौनसार हो गया, कुमाऊँ हो गया, गढ़वाल, यहाँ के ही लोग इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानते हैं। इस क्षेत्र के बारे में अभी जो भारत का पर्यटन मानचित्र है उसमें संभवतः ही बुरांसखंडा शायद नहीं आया है। और देहरादून से अगर हम देखें तो ये देहरादून से अगर हम ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और आप यहाँ पे बर्फ़ देख सकते हैं कितनी मोटी बर्फ़ है, और बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होने की वजह से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप देहरादून से 7-8 बजे चलें तो आप यहाँ पर 10-11 बजे लगभग 2 या 2.5 घंटे के सफ़र पर पहुँच सकते हैं, और फिर यहाँ पर आकर के आप जो बर्फ़ है उसका भी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टियाँ कर सकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, और रुकने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। स्नोमैन की जो कहानी है वो यूरोपियन कंट्री जो आइसलैंड है उसमें जब भी बर्फ़ गिरती है तो लोग स्नोमैन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप स्नोमैन बनाए और उससे कुछ मांगे तो वो आपकी जो मुराद है वो पूरी करता है। तो ये हम लोगों ने स्नोमैन बनाया है, क्या मांगा है हम आपको नहीं बताएंगे। तो ये है हमारा प्यारा स्नोमैन, कुछ पर्यटक आए हुए हैं। कहाँ से आओ भाई तुम लोग? पानी लेके आए। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। ये देखिए, ये बुरांसखंडा जगह है, यहाँ पे आपको होटल फैसिलिटी है, और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये धनोल्टी के लिए जा रहा है, यहाँ से मात्र दूर है। ये देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा बुरांसखंडा है। Yeah, that's it.
इस जगह से केदारनाथ के पहाड़ भी दिखाई देते हैं, पर मुझे पता नहीं कौन से पहाड़ केदारनाथ के। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाले पहाड़ केदारनाथ के हैं। ये जो पूरा है ये गंगोत्री के नीचे वाला इलाका है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ दिखेगी अगर आप यहाँ पे आएँ। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ आपको दिख रही होगी, ये देखिए। अगर आप बनासकंडा आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे होटल मिल जाएंगे, आप यहाँ रुक सकते हैं। और सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आसानी से आप रुक सकते हैं। और यहाँ से आप अगर यहाँ नहीं रुकना तो यहाँ से देहरादून भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और आप आएँ तो सामने वाले रास्ते पे भी काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ से आप अगर पीछे की ओर घूमते चलेंगे ऐसे ऐसे करके, तब आपको बर्फ़ मिलना और ज़्यादा, जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही आपको बर्फ़ मिलेगी, जितना आप नीचे की ओर जाएंगे उतना ही ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। अगर आप बिल्कुल रोड पे ही घूमेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखनी है, बर्फ़बारी का मज़ा लेना है, तो आपको थोड़ा सा अंदर की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही बर्फ़बारी होती है रोडों पर फिसलन आ जाती है तो जाम लगता है, तो यहाँ पे जाम थोड़ा सा लगता है, इसलिए हम अंदर की ओर ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ से धनौल्टी 5 किलोमीटर है, अगर आप सही समय पे आ जाएं तो यहाँ से पैदल चल के आप धनौल्टी भी पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपको और अधिक ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। लगेंगी।